रही बात अब इंजीनियर रशीद साहब की, उन्होंने वीडियो में बोला कि वो क्यों लंगेट आए, मैं उनकी वजह से ही वहां पे आई थी। वजह क्या था कि मुझे लगा वो खुद जेल में बंद रहे हैं, उन्होंने जुल्म व सितम ये देखा है, जो हमारे ऊपर जो जुल्म व सितम हो रहा है उन्होंने भी ये देखा है, शायद वो हमारी इस चीज में मदद करेंगे। लेकिन उस चीज में भी मैं तिफ्लनादा थी, उन्होंने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम वहां पे गए थे क्योंकि वहां पे इंजीनियर शीश साहब हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन वहां के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब मैं वहां गई तो वहां के लोगों ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए, हम आपका भरपूर साथ देंगे। लेकिन मैंने हर किसी वीडियो में बोला जिसपे उम्मीदें होती है, जब वो साथ ना दे तो इंसान आगे नहीं बढ़ता। और खसूस रही मेरी बात, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मेरी हर किसी वीडियो में एक ही बात है कि मेरे माँ बाप को रिहा कीजिए, मेरे माँ बाप को रिहा कीजिए। जैसे आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, पहले तो उमर अब्दुल्ला वर्सेज इंजीनियर रशीद, और उसके बाद इंजीनियर रशीद और सरजान बरकाती की जो बेटी है सुगरा बरकाती, उन्होंने हाल ही में इल्जाम लगाया कि इंजीनियर रशीद के घर गए थे और वहां पर उन्होंने इंजीनियर रशीद के फैमिली से या इंजीनियर रशीद से मदद की दरकार की थी, लेकिन उन्हें वहां से कोई भी मदद नहीं मिली और उन्हें वहां से डिसअपॉइंट होकर वापस निकलना पड़ा। लेकिन आखिरकार इंजीनियर रशीद खामोश क्यों रहे उस बात को लेकर? और कल अगर देखा जाए साउथ कश्मीर के अंदर लोगों को खिताब करते हुए, आखिरकार फाइनली इंजीनियर रशीद ने सरजान बरकाती के बारे में क्या कुछ कहा, या जो सुगरा बरकाती ने इल्जाम लगाया उस बारे में सरजान बरकाती की जो बेटी है उनके स्टेटमेंट्स पर इंजीनियर रशीद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते आपको। तो तफली बजाने अब शुरू कर दी, ये कथ मतलब यम सा बरकाती सब शरीफ एजुकेशन मज तुम वन इस दलील एन सी पी डी तुम ठारन तस् दाल जेल कह तुम पाई तेल लागन यू ए पी सोच जेल तूत दमा चु तम तुम छो बड़े वन तबस बहुत बारी सब ये लड़का मे सक पकान डॉक्टर बारी तुर्सु बहुत सेहत तुम सा तुम गिरफ्तार गई बरकाती सब बहुत तुद गर बस वहद मेन सुप्रीम सियासी लीडर सरजान बरकाती गर गो मे कहसन कह मे फर्ज बोटस तक घंटस मे वो तुम बहुत तुम बोय यम तर कह चीज आस हजर मगर तम पर्यट खंड गोस पान जेल ये बह जेल गोस सह बारी सब आ मे जेल समकिन परस अहरी गो मकसद कथ वन मे वो तमस मे वन का यम सी खुदियत पसंद लूख हिंदुस्तान दबाव आवाज फेसबुक तान गो बंद खुदियत खान सब कर खत्म गिलानी सब चुस जनाज तक पर्न कहें अशरफ शाह सब जनाज तक पर्न कहें जमात इस लगे बैन मे वा हम क्या करें दुन दपा इलेक्शन लड़ो मे मे वा तेल अख डॉक्टर सबन बो डॉक्टर बारी हूं बोच इलेक्शन लड़ान मगर बारी सबन इनशा रहमान गवाश तस् तूता ईमान मे पूरी कि वन सब त्यार समझ बहुत तस्व शुक्र गुजार मे मे वन कत तमें नुन सब बरकाती सब गर मे चला वन बरकाती सबस दपस ऐसी यार कशर इज्जत करा तहरीक आज असल या खराब मगर उस एजेंसी वन सरकार वन मगर कशर हम जजबात कर तर्जुमी कुछ जाए मे वन से अख दपस अगर इलेक्शन लड़क अगर बहुत द्रा बह कर सपोर्ट बहुत चलान कंपेन वही दो भाई नार मदद ख्याल था लिहाजा मे वो सुम की कह बोलो मे वो तमस वात बरकाती सब सी कह डॉक्टर सब समझ बरकाती सब जेल मज दिन ना सो वा मे इलेक्शन लड़न कह वन अस मे क्या मेन गलती सारी वन मे अम पत् कम सात असम्बली इलेक्शन ऐलान गो बहुत पान जू दिवान त्यारस मे फोन कह मे टाइम पत् लाला मोहम्मद बंद कर्म बच्चन वन कर सजा रूद सपोर्ट नरेंद्र मोदी बड़े बैस मे अगर मे खर्च कटो बहुत झुकन वालों मे अथ मे बेल त गई मे बूझ बरकाती सब कौर फारम मोन कैंडिडेट उस ते मुफ्ती फयाज अहमद वगे सब बूझ बहुत दिवान नाव बड़ जबरदस्त नफर इलम लड़न वोल ईमानदार मेस कैंडिडेट सू फारम रिजेक्ट अख मिनट दू कत कर मेहरबानी ये कौम तम सख्ती तुल बेहतर अगर कह बोलो मे बस सू ज्यादा ठीक मे अम सत्या तस्म तुल मंदवा
یوتھ لگ تک سو میون گھر بہت سوچ ٹیچر تم سات